अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इट्स मी नायला इरफान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जी किनू के छिलकों के ऊपर। आप यू नो मौसम अभी चल रहा है थोड़ा बहुत सर्दी वाला ना भी हो तो हम अभी जो किनू माल्टे मौसमी इन सब चीजों को अभी हम यूज कर रहे हैं। हम इनके छिलकों को बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे, उनके छिलकों को कैसे हम यूटिलाइज करके हम उसका पाउडर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको टू टाइप के पाउडर्स बताऊंगी। जैसे कि एक मैंने सुना था कि जी इसको धूप में आप मत सुखाओ, धूप में सुखाते हो तो ये ब्लैक हो जाते हैं। मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मेरे ये दोनों एक्सपीरियंस कैसे रहे, ये बात ठीक है या नहीं ठीक, या ये सिर्फ ऐसे गल्ला ही बनिया ने, तो ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। सो आई होप यू डेफिनेटली लाइक इट। इफ यस प्लीज गिव मी आप एक थम्स अप, जो देगा मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और डिफरेंट कॉन्टेंट्स के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जी यहाँ पर हैं जी कुछ छिलके, ये वाले मैंने एयर ड्राई करे थे, इनको यूं काट के मैंने एयर ड्राई किया था, ठीक है। इसके बाद ये देखें बिल्कुल ड्राई हो चुके थे, और इसके बाद ये वाले जो हैं ये मैंने धूप में ड्राई किए थे, और बिलीव मी जो धूप में ड्राई किए थे वो ज़्यादा बेहतर थे। और अभी ये वाले जो हैं इनको मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, इनको अभी मैंने ड्राई करना है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी हैं। एक एयर ड्राई था, एक जो फर्स्ट में दिखाया था वो एयर ड्राई था, सेकेंड वाला जो है वो धूप में हुआ है, और इसको अभी मैं दोबारा से ड्राई करने वाली हूँ, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, यू कैन सी वेरी क्लियरली कि ये जो मैंने एयर ड्राई करा है ये थोड़े से ब्लैक हैं, जो दूसरा है वो नॉर्मल था, बट ग्राइंड करने के बाद दे लुक सेम, कोई काला नहीं हुआ ये, कोई ब्लैक नहीं हुआ। अच्छा जी, इसको आप किसी भी मिक्सर ग्राइंडर को लेकर उसमें आप इसको डाल दोगे और स्टेन कर लेंगे। स्टेन करने के बाद ये कुछ मोटे मोटे से इसमें से दाने निकल आएंगे, उनको आपने इसमें ऐड नहीं करना, हमें बिल्कुल ये पाउडरी फॉर्म में रिक्वायर्ड है जैसा कि आप देख रहे हो। इसको स्टेन करते जाएं और जार में ऐड कर लें, ठीक है। ये देखें ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल ही पाउडरी फॉर्म में, तो ये बहुत ही इजी है इसको स्टोर करना। बस आप इसमें कोई भी गीला चम्मच नहीं डालो तो ये आपका एक साल तक भी इजीली चल सकता है। यस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इन्फॉर्मेशन बहुत सारी इसमें से आपने गेन करी होगी। मैं तो इसी तरह ही करती हूँ, बिल्कुल भी इन चीज़ों को मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ कि मैंने इनको ग्राइंड करने के बाद इस जार के अंदर इसको रखा है, और यू कैन सी कि ये इतना जार है, और मेरा टारगेट है बिल्कुल इसको इतना पूरा करने का, ये टारगेट मेरा रह चुका है। तो अभी जो मेरे मैं दोबारा से लेने वाली हूँ माल्टे, उनके छिलकों को मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाली। अभी तो मौसम भी बहुत चेंज हो चुका है तो हम इजीली इनको ड्राई कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो लेट आने का थोड़ा सा ये भी था कि मैं थोड़ा सा एक्टिव नहीं थी इस पे अपने यूट्यूब पर। अब मैं फिर से एक्टिव हो गई हूँ, इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ कि आप सिर्फ ये जो पाउडर है इसके साथ और कौन कौन सी चीजें बना सकते हो। सिर्फ हम इसको स्टोर करना ही हमारी सिर्फ मकसद नहीं है, हम इसको फर्दर कैसे यूज कर सकते हैं, इसके साथ हम कौन कौन सी चीजें बना सकते हैं जो समर में हमारी स्किन को कर देगी बहुत ज्यादा ब्राइट। और अभी अगर मेरी स्किन आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट और थोड़ी नीट लग रही है, उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं जो मेरी अगली वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी। आई होप यू डेफिनेटली लाइक इट। इफ यस प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप, जो देगा मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन अगेन डिफरेंट कॉन्टेंट्स के लिए। और यस, दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। उसके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उसको एक जो खूबसूरत सा हार्ट बना हुआ है उसको भी ग्रे कर दीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ी सी खुशी मिलती है जो मैं इतना सारी हम मेहनत लगा देते हैं तो आप अगर उसको अप्रिशिएट करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो आई होप यू डेफिनेटली लाइक इट। मैं मिलती हूँ आपके साथ अपनी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।